नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट बाजरे के अप्पे बनाने जा रहे हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। इसे हम सॉस या हरी चटनी के साथ में गर्मा-गर्म सर्व कर सकते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल है। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। बाजरे के अप्पे बनाने के लिए आधी कटोरी मैंने बाजरा की बिल्कुल बारीक वाली दलिया ली है, जैसे कि मोटी वाली सूजी होती है। 4 टेबल स्पून सूजी है, 2 टेबल स्पून बेसन, आधा कटोरी दही और एक छोटे साइज की प्याज जिसे बारीक कट करके रखा है, आधी गाजर, थोड़ा सा धनिया पत्ती, 1 इंच का अदरक और 2 हरी मिर्च। मैंने ये सब्जियां ली है, आप जो भी वेजीज डालना चाहें अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। मसाले में सिर्फ नमक और जीरा, आधा नींबू और इनो। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें जो हमने आधा कप बाजरा का बारीक वाला दलिया लिया था उसे डाल देंगे। इसके बदले अगर आपके पास में बाजरे का आटा है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। सूजी मिक्स कर देंगे, बेसन डाल देंगे और हमने जो दही लिया है आधा कप उसे डाल देंगे और 1/4 कप हम इसमें पानी डालकर इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। 1/4 कप में पानी ले रही हूँ, इसी कटोरी से नाप के वो भी हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम ढक कर इसे 20 से 25 मिनट रख देंगे ताकि हमारी सूजी और सारी चीजें अच्छे से फूल जाए, फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। 15-20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे खोल के देखा थोड़ा सा ड्राई था तो मैंने 2 टेबल स्पून पानी और डाल दिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा ये गाढ़ा ही बेटर हमें चाहिए। अब इसमें हमने जितनी सब्जियां ली थी वो सारी सब्जियां डाल देंगे, गाजर, प्याज, मिर्ची, धनिया और अदरक। ये बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है। एक तो ऑयल फ्री रहता है, बहुत कम तेल चाहिए रहता है इसमें और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बाजरा वैसे भी ग्लूटेन फ्री रहता है तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। आधा चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच के ही करीब जीरा, साबुत जीरा, इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इनो का पैकेट मैंने खोल के इसमें से आधा इनो ले लिया है, मतलब 1 चम्मच इसमें इनो आता है तो आधा चम्मच हम इसमें इनो डाल देंगे। और जो मैंने आधा नींबू लिया था उसका मैंने रस निकाल लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और गैस पर मैंने अप्पे पैन गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। तो अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके अप्पे पैन में डालेंगे। अप्पे पैन भी अच्छे से गर्म हो गया है, इस पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल ही दिया है। अब हम चम्मच की सहायता से इसमें इस तरह से 1-1 चम्मच डाल देंगे।
तरह से मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ढककर 2-3 मिनट अच्छे से स्टीम होने देंगे। तीन मिनट हो गए हैं, अब हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर हमारा बाजरे के अप्पे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से सारे अप्पे में अच्छे से पलट दूंगी और फिर से लो फ्लेम पर ही इसे 2-3 मिनट नीचे से भी अच्छे से स्टीम होने देंगे। 2-3 मिनट हमने नीचे से भी इसे उलट पुलट के अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं नीचे से भी हमारे अप्पे बहुत अच्छे से सिक गए हैं। हमारा बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है बाजरे के अप्पे। ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। इसे हम सॉस या हरी चटनी के साथ में गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा, अंदर से भी कितना बढ़िया बना है। और इस तरह से हम सॉस या हरी चटनी के साथ में इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।